हे गाइस, वेलकम बैक अगेन ऑन चैनल। हम अपने घर से जब भी बाहर किसी काम, ऑफिस या स्कूल जाने के लिए निकलते हैं तो हमारे सामने सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत होती है रोड के ऊपर का ट्रैफिक। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हमें हमारे शहरों के रोड के ऊपर मिलती है और जिससे हमें ऑफिस जाने, स्कूल जाने या बहुत सारे काम करने में लेट हो जाते हैं। क्योंकि गाड़ियाँ ही बहुत ज़्यादा है और ट्रैफिक सिग्नल की लाइट्स नहीं होगी तो हमें रोड को क्रॉस करने ही नहीं देगा कोई। ट्रैफिक सिग्नल की लाइट होना बहुत ज़रूरी है। तो कभी आपने ये सोचा है कि ये ट्रैफिक सिग्नल की लाइट्स का इन्वेंशन किसने किया? और शायद आपने ये नहीं सोचा होगा, लेकिन आइए इस वीडियो में हम जानते हैं ट्रैफिक सिग्नल के आविष्कार के बारे में और उससे सबसे पहली बार कहाँ पे लगाया गया था उसके बारे में। मैं हूँ विशाल और आप देख रहे हैं होमस्टेड। के समय में लगभग आपको हर चौराहे के ऊपर ट्रैफिक सिग्नल लगा हुआ मिल जाएगा जो कि लाल, पीली और हरी लाइट के फॉर्म में लगा हुआ होता है। और उनके लगने के बाद भी हमारे शहर में इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है कि हम रोड को क्रॉस भी नहीं कर पाते हैं। तो जब ये ट्रैफिक लाइट नहीं थी तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रोड को क्रॉस करने में बहुत दिक्कत होती होगी, क्योंकि पुराने समय में सिर्फ एक पुलिसकर्मी चौराहे पर मौजूद होता था और वही अपने हाथों से के जरिए पूरा ट्रैफिक कंट्रोल करता था। लेकिन उस समय भी लंदन जैसी सिटीज़ में ट्रैफिक को कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता था, इसलिए ट्रैफिक लाइट सिग्नल का आविष्कार किया गया। ट्रैफिक सिग्नल का आविष्कार सबसे पहले जेपी नाइट ने किया था और ये कॉम्बिनेशन भी अच्छा है कि नाइट ने ट्रैफिक लाइट का आविष्कार किया था। जेपी नाइट ने एक रेलवे सिग्नल के इंजीनियर थे और उन्होंने ही रेलवे सिग्नल की सहायता से ट्रैफिक सिग्नल लाइट का इन्वेंशन किया था। सबसे पहले उन्होंने 1868 में हाउस ऑफ पार्लियामेंट के बाहर इस ट्रैफिक लाइट सिग्नल को लगाया था। शुरू में ये तो देखने में एक रेलवे सिग्नल की लाइट की तरह ही लग रहा था। सबसे पहली बार ट्रैफिक लाइट सिस्टम को लंदन में 9 दिसंबर 1868 को शुरू किया गया था। उस समय में दिन में रोड के ऊपर लगाए गए पिलर की दो बाजुओं का इस्तेमाल करके दिन में ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाता था और रात में गैस से बनाई गई ट्रैफिक लाइट का इस्तेमाल करके ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाता था। और उस समय सिर्फ दो कलर यानी कि रेड और ग्रीन दो ही कलर की लाइट का इस्तेमाल होता था और उस लाइट को सिर्फ एक पुलिसकर्मी कंट्रोल करता था। 2 जनवरी 1869 को उस गैस से बनी हुई लाइट के फूट जाने के कारण पुलिसकर्मी को बहुत ज़्यादा चोट आई थी। इस कारण से इस गैस ट्रैफिक लाइट सिस्टम को बंद कर दिया गया और समय के साथ साथ ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था और रोड के ऊपर बहुत ज़्यादा भीड़ होने लगी थी। और इस ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए 1912 में पहली बार लेस्टर फोर्नवर्थ वायर नाम के एक पुलिस ऑफिसर ने बिजली वाली लाइट का डेवलपमेंट करना शुरू किया जिसका डिज़ाइन जेम्स होगे ने तैयार किया था। इसीलिए पहला इलेक्ट्रिक ट्रैफिक सिग्नल का क्रेडिट आमतौर पर जेम्स होगे को जाता है। क्लीवलैंड में उनके डिज़ाइन के बेस पर एक सिस्टम 5 अगस्त 1914 को इस्टेब्लिश किया गया था। फिर 1920 में डेट्रॉइट पुलिस ऑफिसर विलियम पाटर्स ने ऑटोमेटेड ट्रैफिक लाइट सिस्टम डेवलप किए जिसमें पहले तीन कलर सिग्नल भी थे जिसमें येलो सावधानी लाइट भी थी शामिल। 1923 में गेटेड मॉर्गन ने एक इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले ट्रैफिक सिग्नल का पेटेंट कराया। मॉर्गन ने डिज़ाइन में तीन लाइट के साथ एक टी आकार का डिज़ाइन तैयार किया था। तो इस तरह इन सिग्नल्स की संख्या बढ़ाई गई। मॉर्गन ने अपने ट्रैफिक सिग्नल के राइट्स को जनरल इलेक्ट्रिक को $40,000 में बेच दिए। हमारे प्यारे भारत में पहली बार 1953 में चेन्नई शहर में पहली बार ट्रैफिक लाइट सिग्नल का इस्तेमाल किया गया था और उसके लगभग 10 साल बाद बेंगलुरु शहर में पहली बार ट्रैफिक लाइट सिग्नल का इस्तेमाल किया गया था। 1990 के दशक में पहली बार ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर उल्टी टाइमर घड़ी का इस्तेमाल किया गया। ये घड़ी का बहुत बड़ा फायदा भी हुआ और सबसे ज़्यादा फायदा उन लोगों को हुआ जो कि पैदल चलकर रोड को क्रॉस कर रहे थे। तो अगली बार आप कहीं ट्रैफिक सिग्नल पर रुके तो उस घड़ी को, उस ट्रैफिक सिग्नल को गौर से घूरना और उसे कहना कि मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है और मुझे पता है कि तुम्हारा इन्वेंट किसने किया है। तो दोस्तों बस इसी के साथ आज के इन्वेंशन के वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि होमस्टेड के आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। मिलता हूँ अगले हफ्ते एक नई इन्वेंशन की वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहिए, हैप्पी रहिए, अपने आजू बाजू सफाई रखें, नियमों का पालन करें और ऑनेस्ट बने।